नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान राज, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट में से एक है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई बार लोगों में देखा जाता है कि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सर दर्द रहता है और हमेशा होता है, तो क्या ये बार बार सर दर्द होना किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है? जरूर हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको सरदर्द हो रहा है तो किसी भी व्यक्ति को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सरदर्द आपका सिंपल से सिंपल टेंशन टाइप हेडेक भी सरदर्द की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जिसमें आपको किसी तरह का मन में उदासी हो, किसी तरह का टेंशन हो और आपको सरदर्द कर रहा है। माइग्रेन हो सकता है, जिसमें आपको बार बार सरदर्द हो रहा हो, उल्टी जैसा मन करता हो। पर लोग ये नहीं समझते कि ये सरदर्द किसी भी तरह का बड़ा बीमारी का भी लक्षण हो सकता है, जो ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं, किसी तरह का और खून की नसों की प्रॉब्लम के कारण ब्रेन में ऐसा हो सकता है। पर आखिर ऐसा क्या चीज़ है जिससे कोई भी मरीज या कोई डॉक्टर ये समझे कि ये नॉर्मल सरदर्द नहीं है, कुछ और है? तो उसमें देखना क्या होता है कि यदि आपको सरदर्द अचानक सरदर्द हुआ है और लाइफ में ऐसा सरदर्द कभी नहीं हुआ, तो आप इस बात पे जरूर ध्यान दें कि ये सरदर्द जो जीवन में ऐसा कभी सरदर्द नहीं हुआ, ऐसे सरदर्द में ब्रेन के स्कैन की जरूरत है। किसी भी सरदर्द के साथ आपको कोई इसी तरफ हाथ पैर में कोई कमजोरी आ रही हो, आवाज़ लड़खड़ा रहा हो, तब भी आप समझ लें कि यह साधारण वाला सरदर्द नहीं है, ये सरदर्द में जरूर ब्रेन में कोई दिक्कत है। इसी तरह से जो हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब किसी जगह पे कोई भी न्यूरोलॉजी का और साइन मिल रहा है सरदर्द के साथ कि नहीं। तो जो हम लोग पेशेंट से पूछते हैं कि क्या आपको सरदर्द के साथ उल्टियाँ हो रही हैं, क्या सरदर्द के साथ एक तरफ कोई हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, क्या सरदर्द के साथ कोई डबल विजन भी, दो दो चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही हैं, सरदर्द के साथ मुंह टेढ़ा या आँख टेढ़ा तो नहीं हो रहा, यदि ऐसी चीज़ें हैं तो आप सबसे पहले आपको डॉक्टर को सलाह लेनी ही होगी और डॉक्टर को भी, जो डॉक्टर देख रहे हो उनको ब्रेन का स्कैन करने की ज़रूरत है इन सब सरदर्द में। दूसरा देखना होता है कि आखिर सरदर्द किस एज ग्रुप में हो रहा है। कहीं पे घर में कोई गया हुआ है, कोई घर आया हुआ हो, ट्रैवल किया हो, सरदर्द कर रहा हो, कहीं पे सास बहू का झगड़ा चल रहा हो, सरदर्द कर रहा हो, ये अलग सिचुएशन होता है। पर आप देख रहे हो कि नहीं, मुझे सरदर्द हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कुछ नहीं उपाय चल रहा है, तो ऐसे में हम लोग जो कहते हैं इसको कि ये न्यू ऑनसेट हेडेक अंडर इवेल्युएशन, मतलब नया सरदर्द है जिसको इवेलुएट करने की ज़रूरत है और ऐसे में ब्रेन स्कैन करने की ज़रूरत है। तीसरा एक और आपको बता दें जो कि बहुत लोगों से मिस हो जाता है चीज़ें, और पेशेंट तो खास करके नहीं देख पाते हैं, और सीटी स्कैन एमआरआई भी सबको नॉर्मल आ रहा होता है, कभी कभी ब्रेन में पानी का प्रेशर बढ़ा होता है और उसमें सरदर्द हो रहा होता है, लोगों को पता नहीं चलता, कभी कभी आँख की रोशनी में हल्की फुल्की दिक्कत होती है, और वो जाकर जब आँख वाले डॉक्टर देखेंगे या हम लोग फंडस एग्जामिन जब करेंगे तब देखेंगे कि उसमें दिक्कत आई हुई है जिसके कारण। तो जो आपके सवाल थे कि सरदर्द क्या कोई बड़े बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं। सरदर्द सिंपल टेंशन टाइप हेडेक से लेकर ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हमने जाना कि सरदर्द भी किसी बड़े बीमारी का संकेत हो सकता है, तो इसका आप एक बार चेकअप ज़रूर करा लें। तो दर्शकों, आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।